बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलोस किचन। आज हमने ऑरेंज आइस लॉलीज बनाई है, तो आइए इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक सॉस पैन में एक कप जितना पानी ऐड करेंगे। हाफ कप शुगर और इसको डिसॉल्व कर लेंगे। ये शुगर डिसॉल्व हो गई है, अब हम इसमें फ्रेश ऑरेंज का जूस हाफ कप ऐड कर देंगे। साथ इसमें ऑरेंज स्क्वैश 1/4 कप, आपके पास टैंग हो तो आप वो टैंग यूज कर लें। ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। फ्यू ड्रॉप्स ऑरेंज फूड कलर, फ्यू ड्रॉप्स ऑरेंज एसेंस, इनको मिक्स कर लेते हैं। 1 लेवल टीस्पून कॉर्नफ्लावर में हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको डिसॉल्व कर लेंगे। अब ये डिसॉल्व हुआ कॉर्नफ्लावर हम इसमें ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा थिक कर लेंगे, ज्यादा नहीं, बस ये इतना थिक होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। जो भी मोल्ड आपने यूज करना है उसमें आप वुडन स्टिक्स लगा लें। वुडन स्टिक को अगर आप 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि जब हम इसमें आइस लॉलीज का बैटर डालेंगे तो वो उसमें श्रिंक नहीं होंगी। हमने जो ये लिक्विड प्रिपेयर किया है ये अब रूम टेम्परेचर पे आ गया है, अब हम इनको मोल्ड्स में भरेंगे। अगर पोर करने में बबल्स बन जाए तो उसे आप इस तरह से ब्रेक कर लें, ताकि हमारी स्मूथ लॉलीज बने। अब हम इसको फ्रीजर में रख देंगे 6 to 8 आवर्स या ओवरनाइट, ताकि ये फ्रीज हो जाए। ये मेरे पास डिफरेंट स्टाइल के मोल्ड्स हैं, इसमें भी मैं फिल करके रख देती हूँ। और इसको भी मैं फ्रीजर में ओवरनाइट रख दूंगी, ताकि हमारी जो आइस लॉलीज है वो जम जाए। ये हमारी आइस लॉलीज सेट हो गई है, अब हम इसको मोल्ड से निकाल लेंगे। ये देखें, इजीली बाहर आ जाएंगी। मज़ेदार सी ऑरेंज फ्लेवर की आइस लॉलीज को ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक सेंड करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।